सह त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सकुटुंबं ॐ आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ का रंगभरी एकादशी महोत्सव प्राचीन काल से माँ गौरी के गौने के रूप में महंत आवास से निकाली जाती रही है, लेकिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण से प्राचीन महंत आवास ध्वस्त हो जाने के कारण नया महंत आवास बड़ादेव मोहल्ले में D37/98 पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी वाली गली में स्थापित हो चुका है। चूंकि पहले महंत आवास में सभी भाई एक साथ रहते थे जिससे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब अलग होने के कारण यह दिक्कत आ रही है कि सभी भाई अलग हो गए हैं, जिसमें बड़े भाई कुलपति तिवारी ने अभी आवास नहीं लिया है और वे एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। चूंकि कुल परंपरा का निर्वहन करना प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है, उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए उक्त परिवार ने यह निर्णय लिया है कि बाबा का गौना उत्सव की पालकी चल प्रतिमा के साथ नए महंत आवास बड़ा देव से निकाली जाएगी। दर्शनार्थियों के लिए बाबा का दर्शन दोपहर आरती के बाद प्रारंभ हो जाएगा और शाम 4 बजे पालकी यात्रा बड़ा देव से निकलकर मुख्य द्वार होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। आपको यह भी बता दें कि इस वर्ष यह रहेगा कि बाबा की यात्रा सड़क से जाने के कारण आम दर्शनार्थी बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको यह भी बताना आवश्यक है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पारिवारिक विवाद के चलते अब तक कई बार किया जा चुका है। अब देखना यह है कि रंगभरी एकादशी की पालकी यात्रा कब और कैसे निकाली जाती है। लोकपति तिवारी महंत काशी विश्वनाथ क्या है, आज का विषय क्या है? आज का विषय यही है कि जो परंपराओं को लेकर के विवाद आपस में जो चल रहा है, तमाम तरह की भ्रांतियां जनता में जा रही हैं, इसी के विषय में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये दो परिवारों का विवाद बन गया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? विवाद तो हमारी तरफ से नहीं है, मैं तो दुर्भाग्य मान रहा हूँ कि मेरे भरे भाई साहब जो हैं इतने पता नहीं किसके मैंने बहकावे में आ करके ये जो है ये सब विवाद कर रहे हैं। क्या विवाद क्या है जरा ये बताइए। विवाद ये है कि वो कहते हैं कि हम गेस्ट हाउस से परंपरा का निर्वाह करेंगे, हम कहते हैं कि हमेशा अपने आवास से जाती रही हैं माता, वो आवास से जाएं। मैं आज भी उनका स्वागत करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, उनसे विनती करता हूं कि वो आवें हमारे घर से, आवें पूरी परंपरा का निर्वाह करें, वहीं सब कुछ करें। क्या इससे पहले आपने बातचीत की कोशिश की या आपको लगता है कि ये संवाद की कमी नज़र आती है दो परिवारों के बीच में? देखिए अभी तो उनके ऊपर हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं उनके जैसे चाहे तैसे करें, लेकिन वो हमसे यही हमारा यही कहना है कि हम ये अपने आवाज़ से ही प्रतिमा जाए। भक्तों के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं जब इस तरह की खींचतान हो रही है परिवारों के बीच में, और रंग भरी एकादशी का माहौल कैसा रहने वाला है इस बार? माहौल तो बढ़िया रहना चाहिए। अब वो निकाल रहे हैं एक प्रतिमा बनवा के रख लिए हैं शिवरात्रि के लगभग एक दो रोज पहले, जिसका विवाह हुआ सब किए हैं, तो वो भले अब जो करें, हम तो अपनी प्रतिमा ओरिजिनल रखे हैं, आप लोगों को दिखाने को भी तैयार हैं। तो क्या आप भी उनकी बात क्यों नहीं मान ले रहे हैं, एक ही जगह से प्रतिमा निकले? तो हम कह तो रहे हैं आवे ना यहीं से निकाल के ले जाएं। उनका जिद है कि वो अब बताइए गेस्ट हाउस से निकालेंगे तो ये क्या संभव है? क्या इसको काशी की जनता मानेगी? किसी होटल या धर्मशाला में माता बाबा जाएं क्या उचित है? इसका निष्कर्ष आप क्या मानते हैं और क्या आपको लगता है कि अब प्रशासन भी इसमें दखल देगा? नहीं, प्रशासन के बारे में तो मैं नहीं कुछ जानता, क्योंकि मैं प्रशासन को इस पारिवारिक मैटर है इसमें क्यों इन्वॉल्व करूं? अच्छा, एक सवाल ये है कि जब घर जब टूटा आपका कॉरिडोर में, तो जब विग्रह और जो पालकी है वो दोनों अलग अलग, विग्रह आपके पास पालकी उनके पास, दोनों एक जगह क्यों नहीं? नहीं, जब गिरा है, सुनिए, जब गिरा है घर हमारा तो सारे विग्रह ये तो उसी दिन लेके आ रहे थे जलान गेस्ट हाउस में, लेकिन हम उस समय विरोध किए, ये मंदिर में रखवाए इस पूरी प्रतिमा को, फिर ये रंग भरी ये बसंत पंचमी के एक रोज पहले एक पुरानी प्रतिमा जो कि आज भी मंदिर में पड़ी है ये उठवा के ले गए 9 बजे रात में, किसी को पता नहीं है, न कोई मंदिर प्रशासन जानता है,
तो मैं दूसरे दिन पूरी प्रतिमा अपने यहाँ उठा ले आया। बस यही विवाद, यही विवाद का जड़। यानी पुरानी जो प्रतिमा निकलती महंत काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो महंत जी, जो ये रंगभरी एकादशी का उत्सव मनाया जाने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी तैयारी है और क्या करने वाले हैं? मैं जैसे सैकड़ों वर्षों चली आ रही परंपरा है उसका निर्वहन करने जा रहा हूँ। ये भक्तों की परंपरा है, ये हमारे परिवार के सम्मान, सभ्यता और धर्म की परंपरा है। इसमें किसी प्रकार का जो है विचलित नहीं हूँ और मैं बड़ी उल्लास के साथ इस परंपरा को निर्वहन करूँगा। तो आपके ही परिवार में दो मत अब शुरू हो चुके हैं? मैं अपने मत की बात करता हूँ, मैं दूसरे के मत की बात नहीं करता, क्योंकि अगले का मुझे जानकारी ना, मैं अगले को जानता हूँ। तो महंत जी, आप इस विवाद को क्या मानते हैं कि सही में ये कोई वाद नहीं, एक और जो है रारबाजी है और एक प्रतिष्ठा का बनाया हुआ एक जो है क्या कहूँ भ्रष्ट बुद्धि की देन है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, वो व्यक्ति कौन है, कैसे परवा उसके बारे में जानकारी रखता हूँ, चूँकि वो व्यक्ति मेरे जो है बहुत पहले मेरे चचा के लड़के हैं, वो किस मनोस्थिति के क्या वजह वो जाने आप जाने। तो महंत जी, जो ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमा की बात की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जो प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा की बात की, क्योंकि जो पुरानी प्रतिमा है वो जी नहीं, महंतों के पास तमाम जो है प्रतिमा है। एक प्रतिमा वो चुरा के मंदिर से लेके भाग गए, वो मूर्ति चोर है और मूर्ति चोर आदमी के बात में विश्वास करता, वो बाद में बदलने वाला व्यक्ति है, वो जो है पैसे का भूखा है, वो मंदिर का जो है दलाल बना हुआ है। तो क्या आप जब वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे इस बात को वो लेकर, कभी नहीं एकजुट होंगे? जी नहीं, कभी मैं माफ़ी मांगे, कल उनसे मैंने कहा था कि आप जो है प्रतिमा लेके आइए और आप हमारे यहाँ से प्रतिमा का जो है बढ़िया जो है जुलूस लेकर बाबा को जाने दीजिए, और उन्होंने और कहा कि लिखा पड़ी, मैं लिखा भी तैयार हूँ, लेकिन वो व्यक्ति आज तक जो है नहीं आया और उस व्यक्ति को मैं क्या विश्वास करूँ। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि जो झांकी निकलने वाली है वो गेस्ट हाउस से नहीं, महंत आवास से निकलनी चाहिए। ये जहाँ महंत वहाँ गेस्ट हाउस, भगवान राम भी जो है उसमें रहते हैं त्रिपाल में, तो क्या उनकी पूजा आराधना नहीं होती है? क्यों नहीं लोग पति जी अब बनवा देते हैं बड़ा भाग मंदिर, चले जाए अयोध्या, कह दे कि हम प्रतिमा उठा के हम अपने आवास में ले आएंगे बनारस बड़ा देव में और वहाँ पूजा जाए, क्यों नहीं बोलते हो? बहुत बड़े मंथ अगर है तो क्यों मोदी योगी को दुख उठाना पड़ रहा है, क्यों विवाद कर रहा है? सरोज नगर जाके बोल दे कि हम रामलाल को लाते हैं बड़ा देव में रखेंगे, दर्शन आवे पूजन करे, बाद में जब भव्य विराजमान करा दूंगा। एक ही उनका महंत आवास है, बाकी महंत आवास नहीं है। यही तो क्या आपको लगता है कि अब इसमें जो है प्रशासन का हस्तक्षेप वो बढ़ने वाला है? प्रशासन को अधिकार ही नहीं है इस जो है परंपरा में हाथ डालने का, अगर प्रशासन डालता है तो अपराधी है वो। अब काशी की जो जनता है और जो बाहर से काशी की काशी की जनता सारे भक्त मेरे साथ है और रहे और रहेंगे, बनारस के सारे कलाकार, बनारस के सारे व्यवसायी, बनारस के मारवाड़ी हो चाहे खत्री समाज, सब मेरे साथ है।